हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हार्ड में। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें मेरे इस चैनल को। इसके साथ साथ लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूलें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की। यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। तो दोस्तों, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में यहाँ पे बहुत सारे जो कि रिक्रूटमेंट निकला हुआ है, उसके बारे में मैं आप लोगों को बोलूँगा किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन लोग यहाँ पे एलिजिबल है, सब कुछ डिटेल में। तो दोस्तों, पूरा वीडियो देखें, उसके बाद ही आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट जो है यहाँ पे फर्स्ट पोस्ट है अपर डिविजन क्लर्क, जिसका सैलरी रहेगा आपको 25,500 से 81,100 रुपीज़। पोस्ट है यहाँ पे वन, और उसके बाद है सेकेंड पोस्ट जो कि लोअर डिवीजन क्लर्क, जिसका सैलरी रहेगा 19,900 से 63,200 तक आपका सैलरी रहेगा। वैकेंसी है यहाँ पे वन। उसके बाद थर्ड पोस्ट जो है यहाँ पे मल्टीटास्किंग स्टाफ जनरल एमटीएस जनरल, लेवल जो है यहाँ पे वन, 18,000 शुरू होगा, 56,900 तक आपका इस यहाँ पे सैलरी रहेगा। वैकेंसी है यहाँ पे फाइव। तो दोस्तों, यहाँ पे एक बात मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पे आपको ऑफलाइन जो कि एप्लीकेशन करना होगा। यहाँ पे ऑनलाइन कोई भी आप एप्लीकेशन नहीं कर सकते। इसका जो ऑफिशियल ऑनलाइन के फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म है, मैं नीचे दे दूंगा लिंक, आप लोग वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आप बोल देता हूँ एप्लीकेशन फ़ीस क्या है। दोस्तों, फर्स्ट जो लोग जनरल ओबीसी वालों के लिए हैं, यहाँ पे 300 आपको पे करना होगा, और जो एस सी एस टी ओ बी सॉरी एस सी एस टी है यहाँ पे उनके लिए 150 रुपीज़। एप्लीकेशन भेजने के आपका जो एड्रेस है यहाँ पे सेक्रेटरी दिल्ली लाइब्रेरी बोर्ड बाय डायरेक्टर ऑफ दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी डियर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुखर्जी मार्क अपोजिट ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन दिल्ली दिल्ली 110006। आपको यहाँ पे आपको देना होगा 30 बिफोर 30 डेज। तो दोस्तों, यहाँ पे 27 जो कि है 27 नवंबर 2018 तक आपका लास्ट डेट है, उसके पहले आपको यहाँ पे जो कि अप्लाई करना होगा। तो दोस्तों, मैं भी आप लोगों को बता देता हूँ, फर्स्ट पोस्ट जो है अपर डिवीजन क्लर्क, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। इसके लिए आपको क्वालिफिकेशन चाहिए ग्रेजुएशन पास, इसके साथ साथ आपके कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिप्लोमा या बेसिक कंप्यूटर साइंस बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन के अगर का आपका एक्सपीरियंस है या सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 27 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं, जो यहाँ पे अप्लाई जो कि मैक्सिमम एज लिमिट है। इसके साथ साथ एप्लीकेशन फ़ीस जो है नॉट रिफंडेड होगा। जॉब स्पेशलाइज जो कि यहाँ पे है कॉरेस्पॉन्डेंस वेरियस रिटर्न मेंटेनेंस ऑफ सर्विस बुक्स पर्सनल फाइल्स एंड लीव रिकॉर्ड प्रिपरेशन ऑफ ड्यू रोस्टर कैजुअल लीव केस। तो दोस्तों, इसके बाद सेकेंड पोस्ट जो है यहाँ पे उसके बारे में बात कर लेते हैं। सेकेंड पोस्ट जो है यहाँ पे लोअर डिवीजन क्लर्क, जिसके आपको वैकेंसी है वन, और इसके लिए एप्लीकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए आपको यहाँ पे 12th पास, इसके साथ साथ टाइपिंग स्पीड आपको 30 वर्ड पर मिनट आपको होना चाहिए। इसके साथ इंग्लिश जो है 25 वर्ड पर मिनट आपको जो कि कंप्यूटर में होना चाहिए, उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन पास आपको जो लोग हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, मिनिमम क्वालिफिकेशन जो चाहिए यहाँ पे 12th पास। तो इसके बाद जो कि थर्ड पोस्ट है यहाँ पे उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, थर्ड पोस्ट जो है यहाँ पे थर्ड पोस्ट के नेम है यहाँ पे मल्टीटास्किंग स्टाफ जनरल एमटीएस जनरल, जिसका वैकेंसी है 5 पोस्ट एंड क्वालिफिकेशन चाहिए इसके लिए 10th क्लास पास आपको होना चाहिए, उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। और मैक्सिमम जो एज लिमिट है यहाँ पे 27 के पहले जो लोग हैं यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और एप्लीकेशन फ़ीस जो कि है यहाँ पर नॉट रिफंडेड जो कि लिखा हुआ है, एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे नॉट रिफंडेड होगा। तो दोस्तों, इसके बाद मैं अभी बात बोल देता हूँ कि किस तरह की फॉर्म यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर जो है आपको इस तरह का एक फॉर्म मिलेगा, जिस फॉर्म को आपको फिलअप करके उस एड्रेस में आपको भेजना होगा। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, आप कौन से पोस्ट के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पे देना होगा। उसके बाद आपके यहाँ पे आपका फोटो, उसके बाद आपका जो फुल नेम ऑफ एप्लीकेंट जो है यहाँ पे आपको ब्लॉग लेटर में लिखना होगा, उसके बाद आपका फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ देना होगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे देना होगा, आपको मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन से मैक्सिमम जो क्वालिफिकेशन है आपको यहाँ पे वो देना होगा। उसके बाद अगर आपके पास एक्सपीरियंस है आपको यहाँ पे वो देना होगा। उसके बाद आप एस सी एस टी ओ बी सी हो, आपको जिस भी कैटेगरी से आपका जो कि कास्ट है आप यहाँ पे उसका आपको देना होगा। उसके बाद आपका परमानेंट एड्रेस जो है यहाँ पे देना होगा, नेशनलिटी आपको देना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे छोटा जो कि लिखा हुआ है सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, आपको यहाँ पे सिग्नेचर और डेट
डेट देना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको इंटरव्यू और टेस्ट होगा, उसके बेसिक से आपको सिलेक्शन होगा। फर्स्ट एग्जाम टेस्ट एग्जाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, उसके बाद ही आपको ये जॉब मिलेगा अगर आप क्वालिफाई करते हो। तो इस तरह से आपको जो कि फॉर्म फिलअप करना हो, फॉर्म फिलअप करके मैं और एक बार बोल देता हूँ कौन सा एड्रेस में आपको भेजना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे एड्रेस जो है सेक्रेटरी दिल्ली लाइब्रेरी बोर्ड बाय डायरेक्टर दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग ऑपोजिट ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन दिल्ली 110006। इस आपको जो कि एड्रेस में आपको ये भेजना होगा। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसके साथ साथ लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।